राम राम प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत अपने फॉर्म नोटिस यूट्यूब चैनल के ऊपर। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे दोस्तों बीपीएल राशन कार्ड को लेकर और अपनी जो फैमिली आईडी है इन दोनों चीज़ों को लेकर इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल से बात करेंगे। दोस्तों जो बीपीएल राशन कार्ड है उसके अंदर बहुत सारे परिवारों को बहुत झटका दिया गया है और जो फैमिली आईडी है भाई उसके अंदर बहुत बड़ा बदलाव कर आप सभी लोगों को खुशखबरी दी गई है। जो खुशखबरी है एक तरफ तो और एक तरफ दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत बड़ी दुखखबरी है। इन दोनों बातों के बारे में पूरी डिटेल से बात करेंगे दोस्तों, तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करना दोस्तों। इसके अलावा भाई और क्या अपडेट है, दो तीन अपडेट और हैं, उन सब चीज़ों के बारे में भी पूरी डिटेल से बात करेंगे दोस्तों, तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करना दोस्तों। तो अब बात कर लेते हैं भाई फैमिली आईडी में हुए बदलाव को लेकर, उसके बाद बात करेंगे जो बीपीएल राशन कार्ड है उसके बारे में दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई जरूरी सूचना, भाई फैमिली आईडी में आया बड़ा बदलाव, यानी कि जो आप लोगों की पीपी आईडी थी उसके अंदर नया बदलाव कर दिया गया। अब कोई भी व्यक्ति किसी अन्य की फैमिली आईडी ओपन नहीं कर सकेंगे भाई। ये बदलाव है जो हरियाणा सरकार के द्वारा आप लोगों की पीपी आईडी में किया गया है। यानी कि पहले क्या था, जो सीएससी सेंटर हैं वो बिना ओटीपी भी आप लोगों की फैमिली आईडी ओपन कर सकते थे, लेकिन अब हरियाणा सरकार की तरफ से ये पोर्टल है वो बंद कर दिया गया है। बहुत अच्छी खुशखबरी है क्योंकि आप लोगों की सारी जानकारी होती थी जो वो फैमिली आईडी के ऊपर अपडेट थी, तो अब इस सिस्टम को हरियाणा सरकार के द्वारा बंद कर दिया गया है भाई। आप लोगों के लिए बहुत सुरक्षित है, वो फैमिली आईडी बना दी गई है। अब इसके बाद परिवार के अगर अब कोई भी फैमिली आईडी है आप लोगों की ओपन करेगा, अगर जो आप लोगों ने नंबर दे रखा है, जो आप लोगों के परिवार के अंदर मुखिया बनाया हुआ फैमिली आईडी के अंदर, उसके सामने जो मोबाइल नंबर दे रखा भाई आप लोगों ने, उसके ऊपर अब पहले ओटीपी आएगा। ओटीपी के बाद अब सभी जानकारियाँ देख सकते हैं दोस्तों। ये चीज़ें हैं जो हरियाणा सरकार के द्वारा अपडेट की गई है, यानी कि अच्छी खुशखबरी आप सभी लोगों के लिए कि पहले कोई भी सीएससी वाला था तो वो किसी की, जैसे आप बता देते थे कि सर मेरी फैमिली आईडी नंबर ये है तो एक बार चेक करना क्या कुछ चल रहा है, बिना ओटीपी के वो चीज़ों को देख सकता था, लेकिन अब बिना ओटीपी के उन चीज़ों को नहीं देख सकता भाई। ओटीपी होना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना आप किसी की फैमिली आईडी को ओपन नहीं कर सकते। अगर किसी की फैमिली आईडी के अंदर बिजली का बिल गलत दिया गया है या कुछ चीज़ें गलत दी गई हैं तो आप उनका अब समाधान भी कर सकते हैं, उनको मेल कर सकते हैं और मेल का 7 दिन के अंदर आप लोगों को रिप्लाई कर दिया जाएगा। ये चीज़ें हैं हरियाणा सरकार के द्वारा जारी कर दी गई हैं भाई। किसी भी चीज़ के बारे में अगर आप अपडेट करते हैं तो 7 दिन में आप लोगों का हल निकाल लिया जाएगा दोस्तों। ये चीज़ें अपडेट की गई हैं, आप लोगों के लिए अच्छी खुशखबरी है। इसके अलावा अब बीपीएल राशन कार्ड के बारे में बात करते हैं दोस्तों, क्या चीज़ें हैं वहाँ पर भी आप लोगों के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं भाई दूसरी खबर आप लोगों के लिए हरियाणा बीपीएल राशन कार्ड से संबंधित थी भाई। ये जो जब अपडेट आई थी आप लोगों के लिए डाउनलोड घर पर बैठकर भी कर सकते हैं, लेकिन जो कल अपडेट किया गया है, क्या अपडेट आप लोगों के लिए भाई, लगभग 50,000 राशन कार्ड हैं वो काट दिए गए हैं हरियाणा सरकार के द्वारा। एक बार लोगों के राशन कार्ड वो बनाए जाते हैं, उसके बाद फिर राशन कार्डों को काट दिया जाता है। बार बार यही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है भाई। जो बीपीएल राशन कार्ड है, लगभग 50,000 राशन कार्डों को काट दिया गया है। बहुत बड़ा झटका भाई गरीब परिवारों को दिया गया है, क्योंकि इस बीपीएल राशन कार्ड के ऊपर आप लोगों को 1 महीने के अंदर पर व्यक्ति के हिसाब से आप लोगों को 5 से 6 किलो तक राशन है वो दिया जाता था। दूसरी तरफ आप लोगों को चीनी और दाल भी दी जाती थी या सरसों का तेल दिया जाता था, लेकिन इन चीज़ों को देखते हुए हरियाणा सरकार के द्वारा लगभग भाई 50,000 राशन कार्डों को काट दिया गया है। किस वजह से राशन कार्डों को काटा गया है, वो आप लोगों की फैमिली आईडी के अंदर इनकम को ध्यान में रखते हुए काटा गया है, या किसी के बिजली के बिल ज़्यादा आने लगे थे उन चीज़ों के कारण आप लोगों के राशन कार्ड को है वो काट दिया गया है, लगभग 50,000 राशन कार्डों को। अगर आप लोगों को पता नहीं कि भाई आप लोगों का राशन कार्ड कट चुका है या नहीं कटा है, या आप लोगों को घर पर बैठकर डाउनलोड करना, तो यहां पर जाकर आप अपना राशन कार्ड देख सकते हैं भाई। टेलीग्राम चैनल ये फोरम नोटिस, यहां पर आप
जाओगे तो यहाँ पर लिंक है वो डाल दिया जाएगा, उस चीज़ से आप अपना राशन कार्ड को देख सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा फॉरम नोटिस वेबसाइट है भाई, वहाँ पर जाओगे तो आपको इम्पोर्टेंट साइट इम्पोर्टेंट का एक ऑप्शन मिलेगा, यानी कि इम्पोर्टेंट का, तो वहाँ पर भी आप लोगों को राशन कार्ड से संबंधित पहले ही पोस्ट मिलेगी दोस्तों। वहाँ पर भी जाकर आप अपना राशन कार्ड है उस चीज़ को देख सकते हैं, अगर इस चीज़ को ओपन करेंगे दोस्तों आप लोग। इस चीज़ को ओपन करने के बाद अभी साइट बिजी चल रही है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा बिजी है भाई। तो दोस्तों जैसे ही साइट चल जाएगी तो आप यहां से आप अपना राशन कार्ड उस चीज़ को चेक कर सकते हैं दोस्तों। इस लिंक को टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी डाल दिया जाएगा और जो ऑफिशियल वेबसाइट है फॉरम नोटिस की उसके ऊपर आप लोगों के लिए पोस्ट कर दिया जाएगा। इस चीज़ को ज़रूर ज्वाइन कर लेना दोस्तों और अपना राशन कार्ड है वो एक बार चेक ज़रूर कर लेना कि 50,000 के अंदर कहीं आप लोगों को नाम तो नहीं आया है, क्योंकि हरियाणा सरकार के द्वारा लगातार राशन कार्ड हैं वो काटे जा रहे हैं, एक तरफ नए भी बनाए जा रहे हैं, क्योंकि ये सभी राशन कार्ड आप लोगों के फैमिली आईडी के आधार पर ही है। तो इन चीजों को जरूर ध्यान में रखकर आप लोग एक बार फिर अपना राशन कार्ड है उस चीज को जरूर चेक करें दोस्तों। अधिक जानकारी के लिए बने रहे अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के साथ। थैंक यू दोस्तों।